हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार भारत की प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट जी के ऊपर। ये भारत की प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ नए नए भारतीय समकालीन कलाकारों पर वीडियो ला रही हूँ। रोज़ नहीं हो पाता है तो अल्टरनेट डेज तो आता ही एक वीडियो उनकी परिचय का रहता है और एक वीडियो में उनके ऊपर मैं प्रश्न उत्तर लाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी कलाकारों के ऊपर उनका परिचय देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लतिका कट जी का जीवन परिचय। भारत की प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार लतिका कट जी पत्थर की नक्काशी, धातु की ढलाई और कांस्य मूर्ति कला में पूरी तरह से माहिर कलाकार हैं। लतिका जी अधिक चर्चा में तब आई जब उन्होंने अपने एक कांस्य मूर्ति मकर संक्रांति एट दशाश्वमेध घाट वाराणसी के लिए बीजिंग आर्ट बिनाले पुरस्कार जीता था। इनका जन्म हुआ था 12 मार्च 1948 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई दून स्कूल देहरादून से 1958 से 1965 के मध्य। उसके बाद ये बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय गई, BHU जिसे बोला जाता है। वहाँ से इन्होंने ललित कला विभाग से BFA डिग्री हासिल की और ये BFA डिग्री में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जो भी किसी विद्यार्थी के लिए ऐसा पहला अवसर था कि उसे BFA डिग्री में स्वर्ण पदक मिला हो। ये 1966-67 की बात है। उसके बाद MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से कला विषय में इन्होंने प्रथम श्रेणी में MA किया 1975 और 78 के मध्य। 1975-78 के मध्य उन्हें सांस्कृतिक संस्कृति की छात्रवृत्ति मिली, राष्ट्रीय संस्कृति छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। 1981 में ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप मिली, जिसके तहत वो 91 में स्लेड स्कूल ऑफ लंदन गई और वहाँ पर उन्होंने काम सीखा। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन नई दिल्ली का करियर अवार्ड, ये एक फेलोशिप ही होती है, उन्हें मिला 1988 से 91 के मध्य। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भी उन्होंने शिक्षण कार्य किया 1980 से 1985 के मध्य। लतिका कट जी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिशिल्पी बलवीर सिंह कट की अर्धांगिनी हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही भारत के प्रसिद्ध मूर्तिशिल्पी हैं। उन्होंने 1971 में बलवीर सिंह कट के साथ इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की। लतिका कट जी जो हैं भारत की साहसिक और दुर्लभ महिला मूर्तिकारों में से एक हैं और उनकी प्रतिभा को इंदिरा गांधी जी ने एक कला प्रदर्शनी के दौरान देखा था और उन्हें मूर्ति कला को एक पेशे के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। लतिका कट जी बताती हैं, एक इंटरव्यू में बताया कि दरअसल लोग स्त्री का मूर्ति शिल्पी होना हजम नहीं कर पाते, मुझे हमेशा मेहनत का और मुश्किल काम करना पसंद रहा और ऐसे ही लोग भी पसंद रहे जो मुश्किल काम करने के में आनंद महसूस करते हैं। आप खुद देखिए कि जब भी हम मूर्ति शिल्पियों का नाम देखते हैं तो उसमें महिला मूर्ति शिल्पियों का नाम बहुत ही कम आता है, बहुत रेयर होता है। अधिकतर ये जो क्षेत्र है इसमें पुरुष प्रधान रहा है ये। तो जब कोई महिला मूर्ति शिल्पी होती है तो लोग आसानी से नहीं समझ पाते कि वो कितनी गुणी हो सकती है या उसके मूर्ति शिल्प कितने सुंदर हो सकते हैं। लतिका कट जी ने जो प्रदर्शनियाँ की, उनकी पहली प्रदर्शनी हुई 1975 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। उसके बाद ब्रिटिश पेंट्स डिकोर सर्विस कोलकाता में 1976 में, मैक्स मूलर भवन कोलकाता में 1978 में, कला मेला लॉन नई दिल्ली में 1978, केमोल्ड आर्ट गैलरी लंदन में 1980 में, बॉमलिटस आर्ट गैलरी पश्चिमी जर्मनी में है ये 1984 में, और इसके साथ साथ सिमरोजा आर्ट गैलरी मुंबई में 1988 और ABC आर्ट गैलरी वाराणसी 1995। ये सारी उनकी एकल प्रदर्शनियाँ थीं जो मैंने आपको बताई अभी। ये सारी उनकी एकल प्रदर्शनियाँ हैं और पहली जो एकल प्रदर्शनी हुई थी वो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी 1975 में, 1975 में। उसके अलावा उनके हम कुछ कला समारोह में भागीदारी को देखते हैं। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रजत जयंती शो में इन्होंने भागीदारी की 1980 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ऑल इंडिया वीमेन शो किया 1987 में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली 89-90
और नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट शो किया उन्होंने दिल्ली में 1990 में। ड्राइंग शो ऑफ मेल न्यूड आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में हुआ 1990 में। ऑल इंडिया स्कल्पचर फेस्टिवल धूमीमल आर्ट गैलरी में हुआ है नई दिल्ली में 89 में, 90 में और 91 में। इसके साथ ही हारमोनी रिलायंस ग्रुप नेहरू सेंटर में उनका शो हुआ मुंबई 1996 में। पेरिस बिनाले में उन्होंने भाग लिया 1980 में। और इसके साथ साथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन 1981, शूज गैलरी एम्स्टर्डम 1992, अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले जो नई दिल्ली में हुआ 1994, इनमें उन्होंने मुख्य रूप से भागीदारी की। अब उनके कुछ मूर्ति शिल्पों पर नज़र डालते हैं। उनके काफ़ी मूर्ति शिल्प बहुत प्रसिद्ध रहे और देश के बाहर भी स्थापित हुए हैं। उन्होंने पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा बनाई जो बनी ब्रॉन्ज जवाहर भवन नई दिल्ली में। ये दूसरी जो बनाई उन्होंने, ये जवाहर नेहरू की आदमकद नहीं है, ये पोर्ट्रेट साइज थी, आदमकद नहीं है, ये पोर्ट्रेट साइज प्रतिमा बनाई उन्होंने जो इंडिया पैलेस है वहाँ पर लंदन में, वहाँ पर स्थापित है। इसका मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी। इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाई उन्होंने जो हैदराबाद में है इस समय। राजीव गांधी की प्रतिमा बनाई उन्होंने। बेंद्रे जी का पोर्ट्रेट बनाया जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ग्रोथ स्टोन वेयर उन्होंने बनाया, एक बनाया वाइल्ड फ्लावर 2005 का शेड्यूल। इसके अलावा उनके जो अन्य मूर्ति शिल्प हैं, एक बनाया उन्होंने मणिकर्णिका घाट थाली 2005 में। एक उन्होंने बनाया म्यूजियम पीस बनाया 2005 में। इसमें उन्होंने यूज़ किया पाषाण, डोलामाइट और संगमरमर। डिटीरिएशन बनाया 1988 में, ये बनाया उन्होंने लकड़ी से। रूट्स बनाया कांसे से 2005 में। स्टॉप द ब्लडी वॉर ये बनाया 2004 में, पेपर मेसी के साथ बांस यूज़ किया है इसमें उन्होंने। उन्होंने लैंडस्केप बनाया एक 2006 में कांसे से। डिफॉरेस्टेशन बनाया उन्होंने 2005 में कांसे में। स्टेप्स ऑफ सक्सेस लीडिंग टू व्हाट ये बनाया उन्होंने, और ये है इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित। उन्होंने जयराम पटेल ईटिंग पेन बनाया जो एनजीए में नई दिल्ली में है। एवोल्यूशन बनाया, ये भी एनजीए में नई दिल्ली में संग्रहित है। लैंडस्केप फील्ड बनाया 97 में ब्रॉन्ज में, ये भी एनजीए में न्यू दिल्ली में है। ट्रीज बनाया 2012 में कांसे में। एगोनी बनाया 85 में फाइबर ग्लास में, ये भी एनजीए में न्यू दिल्ली में है। मूर्तिकार राम किंकर बेद जी का पोर्ट्रेट बनाया, और इसके बारे में वो बताती हैं कि उनको राम किंकर बेद जी का चेहरा पोर्ट्रेट बनाने के लिए बहुत पसंद था, और उन्होंने शर्बरी राय चौधरी जी से कहा भी कि मुझे उनका पोर्ट्रेट बनाना है, तो उन्होंने कहा कि वे तैयार नहीं होंगे। मेरी जिद पर वे मुझे काम उनके पास ले गए, और मैंने उनसे कहा कि मैं पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये दुबली पतली लड़की क्या काम करेगी, क्या पोर्ट्रेट बनाएगी। मैंने कहा कि आप मेरा दुबला पतलापन देख रहे हैं, पर मिट्टी में काम करने के लिए कितनी ताकत चाहिए। तब शर्बरी दा ने उनसे कहा कि मुझे एक मौका दें। इस पर वे राजी हो गए। जब मैंने मिट्टी को गीला कर ज़मीन पर पटका, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं काम कर सकती हूँ। मैंने काम शुरू किया और फिर उनका पोर्ट्रेट बनाया। इसके अलावा उन्होंने बनाया अर्थी 1992 में, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब उनके कुछ पुरस्कार और सम्मानों पर नज़र डालते हैं। उन्हें मिला गुजरात राज्य ललित कला सम्मान 73 में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफैक्स का पुरस्कार 74 में, 75 में और 76 में। ललित कला अकादमी कोलकाता का पुरस्कार मिला 74 में। बड़ौदा की 5 प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक के रूप में सम्मानित हुई 1975 में। आर्टिस्ट सेंटर मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला शो में पुरस्कृत हुई 75 में। एमपी काउंसिल ऑफ आर्टिस्ट पुरस्कार मिला हैदराबाद से 76 में। और ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन्हें 1980 में। तो ये थे कुछ पुरस्कार और सम्मान। और लतिका कट्टी जी, जैसे मैंने बताया कि महिलाएं इस क्षेत्र में काफ़ी कम हैं मूर्ति कला में, क्योंकि ये हमेशा से पुरुषों के अधिकार में रहा है ये क्षेत्र। तो ऐसे में अपना एक नाम बना पाना, एक काम प्रतिष्ठा स्थापित करना बहुत मेहनत का काम है, और लतिका जी ने इसको बखूबी किया है। अब आइए उनके कुछ मूर्ति शिल्पों पर नज़र डालते हैं।
ये लतिका कट जी ये मूर्ति शिल्प बनाते हुए पत्थर पे काम कर रही हैं। ये एक ही उनका मूर्ति शिल्प पत्थर का है और ये चंडीगढ़ में स्थापित है। ये नेहरू जी का जो उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया और जो लंदन में है। ये जयराम पटेल ईटिंग पेन उन्होंने जो पोर्ट्रेट बनाया एक अलग शिल्प है उनका। ये एक ही अन्य शिल्प और ये जो अर्थी टाइटल से उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया था ये वो है। तो ये था कला परिचय भारत की प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्टी जी का। अब दूसरे एपिसोड में मैं जो बनाऊंगी वीडियो उसमें मैं इनके ऊपर प्रश्नोत्तर लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सारा डेटा इकट्ठा करने में और सब चीज़ें उसको वेरीफाई करने में। तो उम्मीद करती हूँ ये पसंद ही आएगा आपको, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि किन कलाकारों पे आप आगे और वीडियो चाहते हैं। और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड लक। जय हिंद।